एक ही तरीका है। यहाँ रचनात्मक माइक एक प्रेरणा देने वाला कलाकार है, लेकिन एक क्रूर शिक्षक भी है। वो अच्छे परिणाम पाने के लिए अपने छात्रों के साथ कुछ भी कर सकता है। जो कोई भी इस बड़े कैंडी को सबसे अच्छा बनाएगा, उसे यह पुरस्कार के रूप में मिलेगा। आपके पास 30 सेकंड है, शुरू करो। अब हमारी लड़कियां कोई नौसिखिया नहीं है, और यह चॉकलेट बनाना उनके लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि यहां उनकी प्रतिभाएं उभर कर सामने आएंगी। उनके कार्य प्रगति पर हैं, पेंसिल, पेंच और मार्कर उनके सामने है, और लगता है कि सब कुछ काफी आसानी से चल रहा है। अगर ये इतना ही आसान होता तो ये एक चुनौती ही क्यों कहलाता। बेचारी जेस ने एकदम शुरुआत से बनाने की फिर से कोशिश किया, पर घड़ी उसके खिलाफ काम कर रही है। पता नहीं हुआ कितना बना पाएगी। ओ, बहुत कम समय बचा है। चलो तैयार प्रोजेक्ट को देखते हैं। सच में ईमानदारी से कहें तो यहाँ कोई प्रतियोगिता नहीं है। माफ करना जैस, पर रेचल की तस्वीर तुम्हारी तस्वीर से काफी अच्छी है। तुम्हारे लिए तालियों का एक दौर, प्यारी लड़की। इससे अब रेचल का स्कोर 1 है और जैस 0 पर है, पर अभी तो बस शुरुआत है। ये दोनों आज की चुनौती के अगले दौर में जाने के लिए और इंतजार नहीं कर पा रही हैं। अगले दौर के लिए क्या है? खैर, माइक के हाथ में वो आईफोन का बक्सा यूं ही नहीं पड़ा है, वह निश्चित रूप से यह मेरा होगा। मैं जीतने वाली हूँ। नहीं, मैं हूँ। अब अपना पेंट ब्रश को मुंह पर रखो, चुप हो जाओ। लड़कियों, समय शुरू हो चुका है। घबराओ नहीं, अपना ध्यान केंद्रित करो और काम पर लग जाओ, अभी भी समय बाकी है। मुझे काम करते हुए कलाकार को देखना काफी पसंद है, इसलिए मैं संतुष्ट हूँ। वो क्या था? बारिश हो रही है मोजो की? सच में? ओ नहीं, और वे साफ भी नहीं है, छी। अरे, मेरे मोजे को खोजने के लिए धन्यवाद लड़कियों। समय समाप्त हो गया। ओ भगवान, वो तो बहुत जल्दी हो गया। देखते हैं कि आपने क्या किया। जैस ने कुछ बनाया है, और फिर रेचल ने, और एक बार फिर लग रहा है कि रेचल एक बार फिर से हमारी विजेता बन गई है। बहुत बढ़िया काम रेच, तुम उतना अच्छा नहीं। 2-0, जैस अपनी बढ़त लिए हुए है। बहुत सोचने के बाद माइक फिर से एक और विचार के साथ सामने आया है। चलो प्रतियोगिता जारी रहने दो। एक सोने की पट्टी? सच में? क्या वो असली है? क्या हमारी डायनामिक जोड़ी तैयार है? तो आपको इस सोने की ईंट को पेंट करने के लिए 40 सेकंड मिले हैं, और उल्टी गिनती शुरू हो गई है। चलो उन्हें देखते हैं। उन्हें इस तरह से काम करते हुए देखकर तो मेरे पसीने छूट रहे हैं। उनके हाथ तो जैसे पेंट के लिए और पानी के लिए उड़ रहे हैं। मेरा कीमती, अब देखो, जेसिका ने स्पष्ट रूप से अपना सबक सीख लिया है और इस बार तैयार है। मैं देख रही हूँ कि अपना खेल अच्छे से खेल रही है, बुरा नहीं है। तो सब कैसा चल रहा है? खैर, समय समाप्त हो गया है, अब अपना काम दिखाओ। किसी काम को पूरे बारीकी से किया जाए तो सुंदरता निखर कर आती है, और जैस ने निश्चित रूप से यही किया है। रेच, तुम्हारी जीत का सिलसिला खत्म हो गया है। अब यह काफी दिलचस्प होता जा रहा है दोस्त। आखिरकार जैस ने स्कोर बोर्ड में अपना नाम दर्ज कर लिया है। जैस 1, रेचल 2। क्या वो हमारे बारे में भूल गया है? क्या हमने सारी चुनौती खत्म कर ली? हेलो, हो गया? ज्यादा अंतर से नहीं, मैं अपनी पसंद की धुनों का आनंद ले रहा था। फिर अगले कार्य के बारे में क्या ख्याल है? मेरे लिए छोटी सी तस्वीर बनाओ।
तुम लोगों को इसे पूरा करने के लिए पूरे 40 सेकंड मिलेंगे, तो फिर 1, 2, 3 शुरू हो जाओ। यह जोड़ी पूरी मेहनत और लगन के साथ अपने काम में लग गई है। इनके ध्यान को कोई नहीं बटा सकता। उंगलियों को क्रॉस करके रखे कि यह ठीक से चलता रहे। याद है ना कि यहाँ क्या है? पर यह ज्यादा देर नहीं चला। अरे ये क्या है? सांप, कीड़े, यह बहुत हो गया। माइक, तुमने ऐसा हमारे साथ कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है? हम इन सब के साथ कैसे रचनात्मक हो सकते हैं? तुम दोनों का समय समाप्त हो गया। हालांकि मैं पूछने से नफरत करता हूँ, पर हमें दिखाओ कि तुम दोनों ने इसे कैसा बनाया। फिर से कोई भी इस बारे में बहस नहीं करने वाला कि यहाँ विजेता कौन है। जैस, रुकावटों के बावजूद तुमने काफी सुंदर चित्र बनाया है। रैचल, मकड़ियों से ज्यादा डर गई? अभी भी बनाने के लिए बहुत कुछ है। उदास होने की कोई जरूरत नहीं है रैच। हमारी लड़कियां अब आधिकारिक रूप से समान स्कोर पर है। यह चुनौतियां बहुत ही रोमांचक होती जा रही हैं। और अधिक के लिए कौन तैयार है? जैस, तुम क्या खेल रही हो? ओह, यह सिर्फ गलत व्यवहार की परिभाषा है। पर यहाँ पर माइक है हम सबको यह याद दिलाने के लिए कि यहाँ और भी काम है पूरा करने के लिए, कोई और फालतू काम नहीं। न्यूटेला, 30 सेकंड में बनाने हैं, शुरू हो जाओ। शुरू हो जाओ, प्रेरणा जल्दी आ जाएगी। सामान्य तौर पर एक चित्रकार की रचना में उसकी सुंदरता और कलात्मकता निखर कर सामने आती है, पर इस चुनौती की वजह से रैचल और जैस का दिमाग थोड़ा घूम गया है। और कौन है जो कैच का इंतजार कर रहा है? यह नीला स्लाइम यहाँ कहाँ से आ गया? यह तुम्हारे लिए है। छी, मैं इसका क्या करूँगी? लड़कियों, समय पर ध्यान दो या गड़बड़ी करना बंद करो। मुझे डर है कि हमारे दोनों प्रतिभागी कोशिश के बावजूद असफल रहे, या फिर शायद इसे हम मॉडर्न आर्ट या अति रचनात्मक कह सकते हैं। माइक बिल्कुल भी प्रभावित नहीं है। मुझे पता था माइक ने दोनों ड्राइंग को अस्वीकार कर दिया। यह तो जानी हुई बात थी। ऐसे हाथ जोड़ने से कोई फायदा नहीं होने वाला है लड़कियों। इस राउंड को किसी भी चीज के लिए नहीं गिना जाता है। देखो रैचल, तुम्हें क्या लग रहा है कि वहाँ क्या हो रहा है? वह कौन है और उसने क्या पकड़ रखा है? यह इस दौड़ के लिए नया और जाहिर तौर पर बहुत ही गुप्त होगा, तो चलो देखते हैं। नोटों का ढेर, क्या तुम कोई मजाक कर रहे हो? वाह, तुम लोगों को 40 सेकंड में नोटों से भरे इस केस को स्केच करना है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं शुरू कर चुका होता। कोई मजाक नहीं, कौन यह अनुमान लगाना चाहता है कि इस ब्रीफकेस में कितना है? नहीं, अब उस पर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। बाद में गिनने के लिए विजेता के पास बहुत समय होगा। शुरू हो जाओ लड़कियों, ध्यान रखना, परेशान करने वाला भी होगा। हटो यहाँ से। तुम जाते क्यों नहीं और मेरे रास्ते से हट जाओ। हटो यहाँ से। फिर से अनुचित आचरण। लड़की, खिलाड़ी से घृणा करो, खेल से नहीं। लड़की, यह क्या है? और पलक झपकते ही घड़ी की सुई शून्य पर। माइक का परिणाम का निर्णय लेगा, लेकिन मुझे डर है कि उसे निर्णय लेने में बहुत समय की जरूरत नहीं है। जैसिका की यह गंदी ड्राइंग देखने लायक भी नहीं है। हाँ, हम जानते हैं कि यह तुम्हारी गलती नहीं है। और अभी तक स्कोर है 2 और 3। वह क्या है जो चमकीला है और चमक रहा है? यह तो मानो एक परियों की कहानी की तरह है। मैं फिर से, और यह बड़ा सा सुंदर चीज है जिसे आप दोनों को मेरे लिए बनाना है, और आपको इसके लिए मिलता है आधा मिनट। यह कोई बच्चों का खेल नहीं है, और यह सुनिश्चित है। पूरे जोश और भावनाओं के साथ उम्मीद पर खड़े उतरने की कोशिश की जा रही है। मैं यह देखने के लिए बेताब हो रही हूँ कि वो उस बड़े पत्थर को कागज पर कैसे उकरती हैं। बहुत अच्छे तरीके से काम हो रहा है। आगे काम कैसे होगा यह देखना है। ओह, अब यह थोड़ी डरावनी चीज ही बची हुई थी इन दोनों के लिए, इसलिए वे स्पूक और उसकी बोतल को नजरअंदाज करने की पूरी कोशिश करती हैं।
लेकिन इससे उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ और अब अंतिम सेकंड भी खत्म हुआ। अरे जेस, खुश नहीं हो? ओह, रेचल को फिर से वाहवाही मिल रही है और माइक इससे एकदम सहमत है। हमारी विजेता तो मानो हवा में ही उड़ रही है और उसके बगल में है बुरी तरह से हारी हुई उदास चेहरे वाली जेस। इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। रेचल ने काफी शानदार जीत दर्ज कराई है 4-2 के स्कोर के साथ। बहुत अच्छा खेल था लड़कियों। रेचल, क्या तुम उन सभी पुरस्कारों को संभाल लोगी? मुझे तो लगता है कि इस चुनौती के बाद तो तुम कुछ भी कर सकती हो। जैस, बहुत उदास होने की जरूरत नहीं है। कौन जानता है, शायद अगली बार तुम उसे हरा दो। और बेशक अभी भी तुम्हारे लिए कुछ सांत्वना पुरस्कार है। और ये रहा, चुनौतियों को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। रेचल लगभग पहुंच ही नहीं पाई, लेकिन दरवाजा खुल गया और अब सब ठीक है, शुक्र है। लेकिन उससे पहले जो कोई भी अंदर था वह बहुत ही बुरे स्वभाव का था। उसके इस्तेमाल करने के लिए कोई टॉयलेट पेपर ही नहीं बचा है। हेली चलते चलते रसोई में पहुंच गई है कुछ खाने के खोज में, लेकिन लगता है कि सब खत्म हो गया है। दुकान जाने का समय आ गया है। और फिर है जेसिका, जिसे बाहर एक दौड़ लगानी है। तीनों को बाहर जाने के लिए एक मास्क की जरूरत है, लेकिन सिर्फ एक ही है, ये किसे मिलेगा? तीनों ने तुरंत चिल्लाना शुरू कर दिया और सब कह रहे हैं कि मास्क उनका ही होना चाहिए। रुक जाओ, लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, एक चुनौती से सब ठीक हो जाएगा। लड़कियां और प्रतीक्षा नहीं कर पाएंगी। कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता है कि इन चुनौतियों में क्या हो सकता है, तो इस बार क्या होगा? इसकी उम्मीद तो नहीं थी। प्रतियोगिता यह है कि जो सबसे अच्छा चित्र बनाएगा उसे मास्क मिलेगा। यह होगी एक कला की लड़ाई, सारे लड़ाइयों को समाप्त करने के लिए। जल्दी करो लड़कियों, ज्यादा समय नहीं है। अब तक तो स्पष्ट नहीं है कि जीत किसकी होगी, लेकिन पलक झपकते ही चीजों को बहुत दिलचस्प बना दिया गया है। लेकिन किसने कहा था कि यह आसान होगा? अच्छा चित्र बनाना 10 गुना और कठिन हो जाता है जब साथ ही साथ आपको खुद को उड़ते हुए चीजों से सुरक्षित रखना हो। तो आज उसकी ही जीत होगी जो अपने ड्राइंग और चपलता का कौशल दिखाएगा। समय समाप्त हुआ। हेली और रेचल निश्चित है कि आज उन्होंने अच्छा काम नहीं किया है, हालांकि जेस विजेता है। बधाई हो यार, तुम ही उस मास्क के असली हकदार हो, उसे गर्व से पहनो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बाकी दो को कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर एक मार्क से बेहतर क्या हो सकता है। तीनों यह पता लगाने के लिए बहुत उत्साहित है, यह निश्चित है। और देखो, हाथों का सैनिटाइजर, यह जितना भी हो कम ही पड़ता है। घड़ी की सुई चल रही है। लड़कियां पूरी तरह से इस चुनौती में घुस गई हैं और पूरी मेहनत से काम कर रही हैं। लेकिन अचानक से बीच में एक बाधा आ जाता है। क्या यहाँ कोई तूफान आ गया है? लड़कियों, खुद अपनी कुर्सियों को कस के पकड़े रहना। जेस तो एकदम ही उड़ गई है, लेकिन वह इसका सामना करके वापस अपनी जगह पहुंच गई है। कितनी दृढ़ निश्चयी है। अफसोस है कि उसे देर हो गई, विजेता घोषित करने का समय आ गया है। माफ करना जेस, माफ करना रेचल। अरे वाह, वो तो बहुत ही सुंदर चित्र बनाया है तुमने हेली। बोतल उठाओ और अपने हाथों को साफ कर लो अपनी सुरक्षा करने के लिए। सभी हेली के लिए बहुत खुश है ना? या ऐसा नहीं है? शायद तुम्हें थोड़ा ध्यान देना चाहिए, यहाँ एक चुनौती चल रही है। इस दौड़ में लड़कियाँ सुरक्षा चश्मा के लिए लड़ेंगे। हम सब उसका इस्तेमाल तो कर ही सकते हैं। चीजों को और दिलचस्प बनाने के लिए उन्हें उन चश्मों को अपने आँखों पर एक पट्टी बांधकर बनाना होगा। आपने सही सुना, सिर्फ छूकर पता लगाना होगा। समय शुरू हो गया है, बनाओ। हमारी लड़कियों को तो कागज और कलम ढूंढने में ही दिक्कत हो रही है। क्या ऊपर है और क्या नीचे है उसके बारे में तो भूल ही जाओ। जल्दी कुछ तो बनाओ। रेचल ठीक ही कर रही है, लेकिन जेस को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। लगता है कि वो कुछ कर ही नहीं पाएगी, लेकिन जब कुछ काम नहीं करे तो नियमों को तोड़ने से शायद कुछ हो सकता है। ओ, उसे रंगे हाथों पकड़ा गया है। जेस इस दौड़ से बाहर है। इससे साफ साफ पता चलता है कि चीटिंग से कोई कहीं नहीं पहुंचता है।
बहाने बनाने के बारे में सोचना भी मत जैस। चलो देखते हैं कि बाकी दोनों ने क्या बनाया है। जैस चुपचाप बैठो और अच्छा व्यवहार करना सीखे। स्पष्ट रूप से रेचल जीत गई है। पहन कर देखो। वाह, वह तो उसमें बस लग रही है। ये चीज तो हर कोई चाहता है, दास्ताने। इसके बिना तो कहीं भी नहीं जा सकते हैं। लड़कियां बहुत ध्यान से काम कर रही हैं। हर कोई यह पुरस्कार पाना चाहता है। एकदम असली वाले जैसा बनाने की कोशिश करो तुम तीनों। यह सोचो कि तुम दुनिया के सबसे माहिर कलाकार हो। प्रतियोगिता तो कठिन है, लेकिन तब भी यह सुनिश्चित है कि कुछ लोग दूसरे से थोड़े बेहतर हैं। एक और बाधा को लाया गया है, प्याज। इतना भयानक। इससे किसी को भी ठीक से नहीं दिखेगा और आंखों में आंसू भर जाएंगे। लेकिन रेचल सुरक्षित है। अच्छा है कि उसके पास वो चश्मे हैं। बाकी दो को देखकर लग रहा है कि उन्हें जबरदस्ती एक बहुत ही दुखद प्रेम कहानी दिखाई जा रही हो। वो चित्र कैसे बना पा रही है? वाह, ठीक है, पेन नीचे करो। यह राउंड अब खत्म हो गया है, तो अब अपना काम दिखाओ। वाह, हेली ने अपने आंसुओं का सामना कर एक और जीत हासिल की। बहुत बढ़िया दोस्त, अपनी आंखों को पोछो और उन दास्ताने को खुशी खुशी स्वीकार करो। जैस और रेचल का मन चाहे जितना भी उदास हो, उससे कुछ भी नहीं बदलेगा। हेली, चलो हमें अपना अगला कार्य दिखाओ। या क्या है? अभी के लिए किसी को भी नहीं पता कि वो क्या है। बिल्कुल भी नहीं पता। अभी तो एक बहुत ही बड़ा सा कपड़े का टुकड़ा लग रहा है। शायद खोल कर देखो, हम पता लगा लेंगे। यह कुछ अच्छा और बहुत ही महत्वपूर्ण ही होगा। ओह, यह एक प्रोटेक्टिव सूट है। वाह, आजकल यह आसानी से किसी के भी हाथ नहीं आती है। ठीक है, याद है ना कि कैसा दिखता है? तो शुरू हो जाओ। दो हाथ, दो पैर, एक हुड। ओह, जिप के बारे में मत भूलना। अगर आपको लगा था कि एक आसान दौर होगा तो आप गलत हैं। अब अंदर आएंगे डरावने कीड़े और सांप और मेढक। यह सब तो बहुत ही खतरनाक दिख रहा है। तो क्या अब हम सबसे अच्छे चित्र को चुने? हर किसी ने अच्छी खासी मेहनत की है। ठीक है, तो हेली नहीं, शायद रेचल या जेस। नहीं, रेचल है विजेता और उसका पुरस्कार है एकदम सफेद। अब तो उसे निश्चित रूप से सुरक्षित महसूस हो रहा होगा। हर कोई एक दूसरे को हाई फाइव दे रहा है। बहुत बढ़िया दौर था लड़कियों। उस ढक्कन के नीचे क्या छिपा है? आजकल हम और किस चीज के बिना नहीं रह सकते। तीन की गिनती पर खोलो, वो क्या है? बेहतर होगा कि उसे कोई ना छुए। यह उसकी तरह नहीं, किसी हाल में नहीं है ना। इस चुनौती के हिसाब से तो तीनों को यह ड्रॉ करना होगा। तो तैयार हो जाओ। हमारी लड़कियां अपने डर का पीछा छोड़कर काम पर लग गई हैं। मेरा तो कहना है कि इस प्रतियोगिता के दौरान इनके चित्र तो बेहतर और बेहतर ही होते जा रहे हैं। यह बहुत अच्छे आर्टिस्ट बन रहे हैं। चलो देखते हैं कि दुनिया के सबसे अच्छा पेंटर किसे घोषित किया जाएगा। और वह है हेली। बधाई हो। शायद हेली के हाथ कांप रहे हैं, जैसे वह हाथ को आगे बढ़ा रही है उसे पकड़ने के लिए, और जेस और रेचल को घबराहट हो रही है। हेली बहुत ही बहादुर है, लेकिन शायद उसे थोड़ी शर्मिंदगी भी हो रही है उस चीज से पहले डरने के लिए। यह बस एक खिलौना है। सब लोग एक अच्छी गहरी सांस ले लो। शानदार चुनौती थी और हर किसी को अपनी मेहनत का फल मिल गया। अरे, ये तो मैड हैटर है। ओह, और वह एक चॉकलेट फाउंटेन लेकर आया है। अगर वह काम करता है तब क्लोई और मॉली को उसे इसी वक्त चालू कर देना चाहिए।
स्ट्रॉबेरीज, यह तो इसके साथ एकदम सही चीज होगी। और लड़कियां तो बहुत उत्साहित हैं अपने बेरी के पहाड़ के साथ। वाह, क्लोई का फल तो एक चॉकलेट के टुकड़े में बदल गया। आज तो यहाँ जादू की भरमार है। हमारी जोड़ी तो बहुत खुश है और उन्होंने सीधा खाना शुरू कर दिया, या शायद मुझे कहना चाहिए कि अपने मुंह में ठूसना शुरू कर दिया। क्या वह ब्रोकली के साथ भी ऐसा ही करेंगे? उनकी उत्साह तो कम नहीं हुई है, लेकिन शायद जल्द ही हो जाए। तो कैसा है? लगता है कि क्लोई को यह कॉम्बो पसंद नहीं आया, लेकिन मॉली जानती है कि जादू से किसी भी स्थिति को बदली जा सकती है। ब्रोकली के आकार की तरह चॉकलेट यह तो बहुत बेहतर है, बहुत ही अच्छा स्वाद। और अब वो हरा कुरकुरा चीज नहीं होगा उसे बर्बाद करने के लिए। क्लोई हार मान गई है, जो हम समझ सकते हैं। उसका व्यंजन तो सच में खाया नहीं जा सकता है। छी। आगे बढ़ते हुए पिज्जा प्रकट हो गया। वो टुकड़े तो बहुत बड़े हैं। वो तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन किसी को अपने टुकड़े को चॉकलेट में डुबोना होगा, जो अच्छा नहीं है। लेकिन अगर सच सच कहूँ तो बहुत ही बदतर। बस मॉली से पूछ कर देख लो। क्लोई इस बार भागशाली निकली और उसे मिला है पिज्जा का फज वर्जन, जिसके ऊपर है चॉकलेट पेपरोनी। क्या आपने पहले कभी ऐसी कोई चीज देखी है? हम क्लोई को अपने टुकड़े को इस तरह खाने के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। अगर हम होते तो हम भी ऐसा ही करते। हालांकि शायद हम थोड़ा समय ले लेते। तो ये क्या है? देखो मैं क्या कर सकती हूँ। मॉली, मेरा हाथ अब एक मीठा ट्रीट है। मुझे लगता है मैं एक दो उंगलियां खा लेती हूँ। कुछ बुरा तो नहीं होगा ना? ओह, सब कहाँ चला गया? अरे मैंने खत्म नहीं किया था। मैड हैटर, यह क्यों किया? चुनौती जारी है। अरे लड़कियां इसके लिए तैयार नहीं है। डायनामाइट! रुको, नहीं, यह तो बस चॉकलेट है और बहुत स्वादिष्ट भी है। लेकिन रुको, अगर वो नकली वाला था तो क्लोई के प्लेट में क्या था? ओह, चीजें तो बहुत गंभीर हो गई हैं। इन दोनों को तो तुरंत किसी सुपर हीरो की मदद की जरूरत है। सुपर गर्ल, क्या यह तुम हो? उसे तो डर नहीं लगता है, वह यह समस्या को संभाल लेगी। ठीक है, तुम दोनों, मैं दिन को बचा लूंगी। सबसे पहले तो हमें बेशक पूरी जगह को टेप से बंद करना होगा, सुरक्षा के लिए। और अब बम की बारी, मैं इसका ध्यान रख लूंगी। काम नहीं कर रहा है। क्यों ना? अरे नहीं, तुम्हें पता है क्या, मुझे सच में जाना होगा। मुझे किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही है मदद के लिए। हाँ ठीक है, मुझे लगता है कि अब हमें कुछ करना होगा। हमें इस काम के लिए सही उपकरण चाहिए होंगे। एक टेडी बियर? नहीं, तुम सही कह रही हो। एक फेदर डस्टर? यह तो मददगार होगा ना? नहीं, ओ, मुझे पता है, लेकिन मैं कौन सा तार काटूं? चलो कुछ कोशिश करती हूँ। मॉली, यह तो बहुत आश्चर्यजनक था। कितना अद्भुत, एक वास्तविक चॉकलेट विस्फोट। शांति और शांति, यह सब क्या है? कितना बुरा। काश दुनिया के सारे विस्फोट ऐसे ही मीठे होते। तो चलिए, क्या हम देखें? ओ, क्लोई का हिस्सा तो अच्छा है। Awesome!
लेकिन मौली का व्यंजन तो बहुत बढ़िया है। सच कहूँ तो काफी कठिन है यह फैसला लेना कि किसका बेहतर है, लेकिन स्पष्ट रूप से क्लोई को तो मौली से थोड़ी जलन हो रही है। ओ, चुराने के लिए तो उसके लायक ही थी। क्लोई ने पूरी गंदगी फैला ली है, इसके लिए वो अपने अलावा किसी को दोष नहीं दे सकती। लेकिन लगता है कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो हो गया सो हो गया। मौली को लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है, एक दोस्त से चॉकलेट छीनना अच्छा नहीं होता है, बहुत बुरा बर्ताव। कोको का एक नया गिलास और फिर दोबारा। सब ठीक है, क्या यह कोई मजाक है? लगता है मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है। अब मौली वह ले रही है जो उसका था। अच्छा है, बहुत सारा था। हाँ तो ढक्कन खोलो और देखो, अगला दौर आ गया है। वाह, यह तो बहुत सुंदर है, वैसे जूते जिनका ख्वाब लड़कियाँ देखती हैं। चलो उन हील्स को पहन कर देखो। क्लोई का तो पूरा रूप एक पल में बदल गया। मौली, क्या तुम भी ऐसा कर सकती हो? ओ, शायद नहीं। लगता है कि यहाँ समस्या वह जूते ही है। हाँ, उन्हें तो खा सकते हैं। खैर, उसके पास हील्स तो नहीं है, पर उसे कम से कम एक स्नैक तो मिल गया। तो इधर क्या मिला है? नया फोन? मौली को तो नया वाला मिला है। खैर, जो है सो है। कम से कम क्लोई कुछ सेल्फी तो ले सकती है। अरे, स्क्रीन को क्या हुआ यार? ओह, यह तो चॉकलेट का बना है। लेकिन ज्यादा आश्चर्य देखकर हो रहा है कि मौली का नया गैजेट क्या क्या कर सकता है। मेरी बात मानिए कि वह फीचर तो जितने ऐप आपने देखे होंगे उससे हजार गुना बेहतर होंगे। क्लोई को लगता है कि मौली कुछ ज्यादा ही कर रही है, और हाँ, शायद उसे थोड़ा रुक जाना चाहिए। तो फोन गया बाहर उड़ते हुए। अफसोस करने से बेहतर है सुरक्षित रहना। मैड हैटर तो पूरे दिन से एक कप कोको का आनंद लेने की कोशिश कर रहा है। कौन जानता था कि उसकी एक मन्नत पूरी करना कितना कठिन होगा। हालांकि एक नया आईफोन सबसे बुरी चीज नहीं है जो उसके ग्लास में गिर सकती थी, खास करके जब वह जादुई हो। चॉकलेट के साथ चॉकलेट, यह तो एक परियों की कहानी की तरह है। लड़कियां भी बहुत खुश है और उनके चेहरे पर बड़ी मुस्कुराहट है। क्या आप यह जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा? ओह, खेलने के लिए कौन तैयार है? आशा है कि ये दोनों हैं। अगर ये थोड़ा वार्म अप कर ले तो शायद कोर्ट में जाकर खेल ले। लेकिन संदेह है कि मौली उस रैकेट से कुछ मार पाएगी कि नहीं। लेकिन यह खाने के लिए एकदम सही है, क्योंकि वह चॉकलेट का बना हुआ है। वह बॉल तो सही नहीं लग रहा है। ओह, और देखो, यह टूटकर मौली के प्लेट में आ गया है। क्लोई खुशी खुशी इस दौर में सर्व करने के लिए तैयार है। उसका हाथ तो इसके लिए ही बना है। तो तैयार हो जाओ दोस्तों। चाहे जो हो जाए, एक दिन में हॉट चॉकलेट से सब कुछ बेहतर हो जाता है। अरे नहीं, फिर से नहीं। कॉस्मेटिक्स, ये जितना भी हो काफी नहीं होता, और क्लोई और मौली इस बात से सहमत है। मौली को तो परफ्यूम इकट्ठा करना बहुत पसंद है, उसमें वो माहिर है। क्लोई सामग्री को ध्यान से देख रही है, सब कुछ कितना नया, चमकीला और सुंदर है, पर उसी समय थोड़ा अजीब भी है। वह एकदम चॉकलेटी रंग और सुगंध वाला है, स्वादिष्ट। वह इस मीठे स्वाद का पूरा दिन आनंद ले सकती है।
मॉली क्लोई का मेकअप करना चाहती है क्योंकि उसे जो परोसा गया था वह चॉकलेट का बना हुआ था। कुछ रंगीन अच्छा होगा। यह निश्चित नहीं है कि वह स्टाइल और रंग क्लोई के लिए अच्छा है। मॉली वादा करती है कि यह उसकी गलती नहीं थी, इसके लिए पैलेट को दोष देना चाहिए और लगता है कि उसे बस वह चीज खानी होगी। चॉकलेट शैडो तो इसके अलावा और किसी चीज के लिए नहीं बने थे। और एक के बाद एक हर एक चीज को वो दोनों खुशी खुशी खा गए। यह शायद लड़कियों की पूरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन हो। चॉकलेट।